Hey guys, welcome back to Drog Baba and in company of my brother again, Shivam. कैसा है भाई? What's up, बाबा? क्या हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो वीकली सीरीज का एक हम लेके चले हैं. तो दिस इज टॉप्स एंड फ्लॉप्स गेम वीक 2 प्रीमियर लीग में. तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. और फ्लॉप तो पता ही है अपन को, आओ टॉप्स पे बात करें. तो चालू करेंगे पहले ब्राइटन और वॉटफोर्ड. तो काफी अच्छा ये रिजल्ट ब्राइटन के लिए 2-0. और पहला मैच जीते थे वो क्या नाम है इससे बर्नली से टफ मोर, बर्नली से 2-1. तो 6 पॉइंट आ गए हैं. आई थिंक उन्होंने ज्यादा साइनिंग भी नहीं करी है और दे लॉस्ट बेन वाइट. आई एम नॉट श्योर अगर कोई सिग्निफिकेंट साइनिंग उन्होंने करी हो उसके अलावा. उनका आई थिंक वेल्टमैन इंजर्ड है, दे आर प्लेइंग वेबस्टर एंड लुइस डंक. तो भाई काफी उस हिसाब से, और द गेम वॉटफर्ड प्लेड इन गेम वीक 1 उस हिसाब से काफी सही रिजल्ट, केप्ट अ क्लीन शीट एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ब्राइटन के. एंड ब्राइटन हमेशा से ही अच्छी फुटबॉल खेल रही है 2 साल से जब से ग्राहम पॉटर आया है, और गुड ऑडिशन टू आर्सेनल ग्राहम पॉटर का. अच्छा, एक मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं. ये हाँ इसका एक अलग टॉपिक बन सकता है. ग्राम पॉटर टू आर्सेनल, मतलब एज अ न्यूट्रल वुड यू लाइक टू सी हिम? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज I think all the clubs going with their players has not been good. We saw that with Gary Neville, we saw that with Lampard, we saw that with Arteta. We are seeing it now with Arteta. And I feel ki Arsenal ko ye step transfer window se pehle hi le lena chahiye tha, kyunki spending 150 million and then sacking Arteta, which is evident, matlab aayega hi aayega, wo inevitable hai, wo bevkoofi hogi Arsenal ke end pe. But ab 130 मिलियन आपने स्पेंड कर ही दिया है, तो कॉन्टे जैसा मैनेजर जो कि बातें चल रही है लाना बेवकूफी है, क्योंकि उसे अपने हिसाब के प्लेयर चाहिए, वो आके फिर बोलेगा 200 मिलियन चाहिए. तो आई थिंक ग्राहम पॉटर और एडी हाउ, आई थिंक दे आर गुड फिट फॉर आर्सेनल टू एटलीस्ट ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मैलिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज मैनेजर्स कैन अगेन ब्रिंग देम बैक टू टॉप फोर, क्योंकि अभी चेल्सी, लिवरपूल, सिटी और यूनाइटेड का स्क्वाड बहुत अच्छा है. आर्सेनल बहुत दूर है टॉप फोर से, बट एटलीस्ट नॉर्मैलिटी रिस्टोर्ड तो कर दें, विच आर्टेटा कैन नॉट डू. बिल्कुल, अभी थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि ऑल अभी बात करेंगे आर्सेनल की आगे जाके, और इसके लिए हम एक पूरा पॉडकास्ट अलग कर सकते हैं, बट दिक्कतें हैं काफी आर्सेनल के लिए. नेक्स्ट मैचेस मैन सिटी नॉरिच, तो एक थ्रेशिंग ही हो गई है और जैसा हमको एक्सपेक्टेड था, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमको सिटी से आफ्टर देयर लॉस्ट अगेंस्ट स्पर्स. Yes. और जैक ग्रिलिश ऑन द स्कोर शीट, बट तो वेरी लकी काफी गोल, वेरी लकी गोल. आई थिंक आप अगर देखो तो सिटी के वन ऑफ द फेवरेट ओपोनेंट्स हैं नॉर्विच. लास्ट टाइम जब नॉर्विच प्रीमियर लीग में थी तब भी वो 5-0 हारे थे, एंड सिटी के आई थिंक कहीं ना कहीं माइंड में था. बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट 3 गोल्स वर एब्सोल्युटली लक बेस्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट अच्छे गोल्स नहीं थे, बट लक, यू नो, इट फेवर्स द ब्रेव. सो बहुत ही लकी गोल थे. पहला गोल ओन गोल, दूसरा गोल काफी मतलब खुद ही आगे पैर पे लग गई, और थर्ड गोल स्क्रैपी क्लियरेंस पेनल्टी बॉक्स में कॉर्नर पे. तो आई थिंक सिटी अभी नॉर्विच से, सिटी कैन नॉट से दैट वी हैव कम बैक और वी हैव गिवन अ चैंपियन परफॉर्मेंस, स्टिल फार अवे फ्रॉम इट. बट आई थिंक गैब्रियल हेसुस वाज क्वाइट गुड इन दैट गेम. मतलब मेरे हिसाब से सिटी का बेस्ट प्लेयर था उस मैच में, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी. अग्रीड, बट अगेन यू प्ले योर ओनली अवेलेबल स्ट्राइकर ऑन राइट विंग. आई मीन ओनली पेप कैन डू दिस, ओनली पेप कैन डू दिस. एंड सिमिलर स्टोरी आर्टेटा की है, ओनली आर्टेटा कैन डू इट, प्लेइंग योर ओनली फिट स्ट्राइकर ऑन विंग्स. सो एनीवेज यस, बट आप अगर क्लोजली देखो तो Ruben Dias has been pretty average. अगर आप टॉटनम वाला गोल भी अगर आप देखो तो I don't know वो क्या कर रहा था. बैक डाउन, कोई प्लेयर नहीं है पेनल्टी बॉक्स में सन के अलावा, और पीछे हो जा रहा है. तो मे बी somebody फ्रॉम द ग्रुप सेड दैट Ruben Dias had just one lucky season. इस सीजन उसका असली पता चलेगा. तो 2 गेम्स तो हो गए. I don't see Ruben Dias as a player what he was last season. So, City, I still feel Chelsea has a better chance. It's too early, but City has not been tested. They can't say that we have performed like a champion against Norwich. हाँ, भी मतलब कहना बहुत ही ज़्यादा
अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं अभी तो, मतलब यस कुछ यस पता ऑफ ही नहीं कोर्स चलता है। 3-4 गेम वीक हाँ में तो जब तक नहीं हो जाते हैं, तो 2 गेम वीक में अभी जज करना थोड़ा मुश्किल। बहुत फिर राइट आई थिंक नेक्स्ट गेम शाउट आउट हैज टू बी गिवन टू आदिदेव गुरुजी। तो स्पॉट ऑन प्रिडिक्शन, ही सेड कि बिल्कुल 2-all एंटरटेनिंग ड्रॉ होगा ये, और बिल्कुल वही हुआ। और शानदार कमबैक लीड्स का, शानदार बिल्कुल कमबैक मतलब ये लीड्स की थीम रही है पता है, कि व्हेन दे गो बिहाइंड। मतलब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में भी देखें तो आफ्टर फर्स्ट हाफ जैसे ही वो आए, सेकंड हाफ में आते ही उन्होंने गोल किया, वो अलग बात है कि मतलब यूनाइटेड ब्लू देम अवे। लेकिन एक वो नेवर से डाई एटीट्यूड है, एक बीएलसा के अंदर आइडेंटिटी दिखती है लीड्स की, मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते हो बिल्कुल भी नहीं ले लीड्स को। सकते। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर मेन प्लेयर्स। रफीनिया वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच था अगेंस्ट यूनाइटेड, सो दे वर लैकिंग बिहाइंड। और कल आई मीन सैटरडे को ही प्लेड अ वेरी, आई वोंट से अ गुड गेम, बट एन अबव एवरेज गेम। एंड क्या फिनिश थी लेफ्ट फुट से, सुपर गोल, इक्वलाइजर। तो काफी अच्छा गेम था। बट हैविंग सेड दैट, यू ऑल्सो नीड टू सी दैट एवर्टन ने एलन रोड पे जाके ड्रॉन निकाल लिया लीड से। तो राफा बेनिटेज इज बैक इन प्रीमियर लीग। आई थिंक बहुत हाँ ही मतलब एक टाइम पे तो अंडररेटेड लग रहा पिवट था है। कि पूरे 3 पॉइंट ले जाएगी एवर्टन, इतना कन्विंसिंग बिल्कुल खेल रही थी हाँ, मतलब। बहुत अच्छा खेल रही थी। आई हाँ थिंक ये कहीं ना कहीं एवर्टन, एवर्टन को लग रहा होगा कि 2 पॉइंट्स ड्रॉप्ड है। हाँ टू, यस ऑफ कोर्स, कोई चांस ही नहीं है। मतलब 2 पॉइंट्स ड्रॉप्ड ही बोलोगे आप, क्योंकि राफा बेनिटेज राइट नाउ ही इज लकी टू इनहेरिट दिस एवर्टन स्क्वाड। मतलब इट्स नॉट दैट बैड, इट इज बेटर देन आर्सेनल इफ यू आस्क मी। दे हैव होल्डिंग मिडफील्ड ऑफ एलन एंड डकोरे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं। देन अटैकिंग में आपको पता ही है, डोमिनिक कालवर्ट लुइन और रिचार्लिसन दोनों बहुत अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म में। देन पिकफर्ड हैड अ वेरी डिसेंट टूर्नामेंट इन यूरोस, इट वॉजेंट हिज यूजल पिकफर्ड थिंग्स। एंड आई थिंक ओनली प्रॉब्लम इज देयर डिफेंस, दे नीड टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज मेसन गोल होलगेट कैन स्टार्ट अबव यारी मीना। पता नहीं यारी मीना को क्यों स्टार्ट कराते हैं। दे हैव अ रियली डिसेंट स्क्वाड एंड आई थिंक एवर्टन, एज आई प्रेडिक्टेड, दे शुड फिनिश अबव एस्टन विला, दे शुड फिनिश अबव वेस्ट हैम। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड अगर वेस्ट हैम और एस्टन विला के ऊपर फिनिश कर लिए तो शायद आर्सेनल के ऊपर भी फिनिश कर ही लेगी कहीं ना कहीं, जिस आर्सेनल आई एम तरीके नॉट से इवन कंसिडरिंग अगर आर्सेनल पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। और क्रिस्टल पैलेस ब्रेंटफोर्ड दी अदर ड्रॉ, सिर्फ 2 ही ड्रॉ हुए इस गेम वीक में। तो दूसरा ड्रॉ मैं कहूंगा सुपर कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेंटफोर्ड ले जाएगी, बट ऑब्वियसली वो जो एक ये जो टीम्स होती है ना जो नई नई प्रमोट हो गई आती है, इनको होम में जो इनके बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज मिस करी है इन्होंने इस गेम में। एंड क्योंकि क्रिस्टल क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थी चेल्सी के नहीं थी, अगेंस्ट। आई थॉट ब्रेंटफोर्ड माइट स्नीक इन विद अ विन इन दिस गेम। बट क्रिस्टल पैलेस इज अ वेरी टफ ग्राउंड टू प्ले एट। सेलर्स पार्क काफी, क्या है पैलेस कि पार्क टफ ग्राउंड है। हाँ काफी क्लोज सा स्टेडियम है, इट्स नॉट अ ओपन एंड स्टेडियम, इट्स अ क्लोज एंड स्टेडियम। तो वो फैंस हाइवरी का जैसा नहीं था मतलब, नैरो सा एकदम था वो। हाँ नैरो सा, हाँ तो वहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी बहुत ही बोरिंग डल मैच था। एंड आई कुड सी, मतलब मैंने देखा था 10-15 मिनट इसका गेम, फिर बोर होके हाईलाइट्स देखे इसके, तो देख जहा बहुत ही लैकलिसेंट था। मतलब लैकलस्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम जहा, आई कुड नॉट सी कि भाई क्या जहा में इतना है, जो इवन आई वॉज वंस अ फैन ऑफ जहा। बाकी डिफेंस इनका बहुत ही एवरेज था। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड कुड हैव यू नो एक 3 पॉइंट निकाल सकते थे। वो टोनी, आई थिंक टोनी नहीं, एक और उनका प्लेयर है लेफ्ट फुटेड हु टेक्स कॉर्नर, उसने पोस्ट मारा था फार पोस्ट फ्री किक से, तो वो ले सकते थे 3 पॉइंट। बट ठीक है, कोई नहीं, स्नूज फेस्ट ड्रॉ नहीं हो बट ये गया अच्छा तो। रिजल्ट है ब्रेंटफोर्ड के लिए, पहले 2 मैच में 4 पॉइंट, जिसमें एक आपने आर्सेनल के अगेंस्ट 3 पॉइंट निकाले हैं। क्योंकि बिल्कुल नॉरिच ऑब्वियसली अभी दिख ही रहा है कि काफी मुश्किल होने वाली है उनको। गोल डिफरेंस है स्टे करना बैटरिंग फॉर नॉरिच, थ्री या नील लिवरपूल से आ रहे थे, 5-0 अभी फाइव सिटी से नील आ गए, तो -8 तो अभी सही हो गया। हाँ और ब्राइटन भी ले गई है 2 मैच में 6 पॉइंट, तो काफी मुश्किल होगा नॉरिच के लिए। क्योंकि और ये रेलिगेशन बैटल यही होने वाली है इस बार, जो मुझे लगता है यही सारी बर्नली, टीम्स रहेंगी। क्रिस्टल पैलेस जैसा यू प्रेडिक्टेड इन द लास्ट वीडियो की, हो सकता है कि क्रिस्टल पैलेस भी हो रेलिगेशन स्क्रैप में, तो काफी क्रिस्टल पैलेस, अच्छा है नॉरिच ये और ब्रेंटफोर्ड के बर्नली, पॉइंट ऑफ व्यू से। यस ब्रेंटफोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा। प्लस आल्सो आई थिंक इनके आने वाले फिक्स्चर एवरेज हैं। दो तीन गेम के बाद एक हार्ड है, दो तीन गेम के बाद एक हार्ड है। हार्ड आई सेंस टॉप सिक्स। बाकी जैसा खेल रही है ब्रेंटफोर्ड, तो आई वुड से कि लीड्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड बहुत मजा आएगा।
देन विला ब्रेंटफर्ड बहुत मजा आएगा। अब वो बर्नली जैसे टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो इनको ड्रॉ ही निकालना पड़ेगा टर्फ मोड जाके। अब मैनेजर मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रेंटफोर्ड का, थॉमस फ्रैंक, मतलब थॉमस पर्सनालिटी है फ्रैंक बंदे की, कैरेक्टर है पूरा, कैरेक्टर मजा है भाई, आएगा। ब्रेंडन रॉजर्स के बाद कोई तो आया कैरेक्टर वाला। कैरेक्टर डिजायर पैशन। चलो नेक्स्ट, एस्टन विला न्यूकासल। मैं कहूंगा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ले गई रिजल्ट ये, और स्कोर लाइन से फेयर रिफ्लेक्शन नहीं है। न्यूकासल बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, और न्यूकासल वर द डोमिनेंट टीम, और कैलम विल्सन को मुझे पता नहीं क्या हो गया। ओपन मतलब गोल इतना वन ऑन क्लिनिकल वन विद स्ट्राइकर है वो, और कैसा उसने हाँ चांस मिस करे उस मैच में यार। बहुत बहुत आई टोटली अग्री विद योर वर्ड्स बाबा कि रिजल्ट डज नॉट शो द रियल पिक्चर। बहुत इक्वली फॉट मैच था, और जैसा आपने बोला शायद न्यूकासल बेटर ही थी, बट ठीक है स्कोर लाइन डिपिक्ट समथिंग एल्स। एस्टन विला आई स्टिल थिंक दे हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम ग्रीलिश लॉस, हैवंट बीन रियली गुड डिस्पाइट साइनिंग टू थ्री ग्रेट प्लेयर्स। एंड अगेन द मेन मैन ऑन द स्कोर शीट डैनी इंग्स, व्हाट अ अरे मिस वो तो बाय, गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर हो गया है गोल गेम ऑफ द वीक सीजन सेकंड में। और मतलब उससे एक चीज याद आई कि अगर आप दोनों गोल ही देखोगे तो दोनों ही सेट पीस से आया, और जो एक डिफेंसिव फ्रेल्टी है न्यूकासल की कि सेट पीस वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, वो दिखा। एग्जैक्टली पहला गोल भी थ्रो इन से आया, दूसरे में वो डिफेंड करते करते पेनल्टी खा गए कॉर्नर पे। पेनल्टी का तो हाँ ये दो चीजें हैं, और यही मतलब दो मोमेंट्स थे जिसने सेपरेट किया। बाकी मेरे को ऐसा याद नहीं कि पूरे मैच में विला ने कोई बहुत अच्छा चांस क्रिएट किया, और इट वाज ऑल न्यूकासल। यस यस आई थिंक दे हैव राइट नाउ सबसे बेस्ट मिड टेबल पोचर जिसको बोल सकते हो आप, राइट पोचर है उनके पास इंग्स। व्हाट अ ग्रेट साइनिंग इट इट वाज। आई अगर 25 मिलियन में प्लेयर मिल ही रहता तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस टू स्पर्स, आर्सेनल, सिटी, ये तीनों जा सकते थे क्योंकि तीनों के लिए इंग्स खुशी खुशी साइन करता। एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज अ गारंटीड 15 to 20 गोल स्ट्राइकर। Would you have taken him back at Liverpool? नो नो वी आई आई डोंट थिंक बिकॉज हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता, इसलिए कहीं ना कहीं आई थिंक सिटी ऑल्सो टुक देयर हैंड ऑफ फ्रॉम इंग्स क्योंकि उनके भी सिस्टम को वो सूट नहीं करता। मतलब हैविंग सेड दैट इंग्स में कोई कमी नहीं है, ही इज अ टॉप स्ट्राइकर, बिना पेनल्टी के 15 गोल मारेगा वो, और क्योंकि एलगाजी है ही पेनल्टी पे तो उसकी वो नहीं है। बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल के लिए कंसिडरिंग कि वो ओबामेयांग को लेफ्ट में ही खिलाएंगे, दे कुड हैव गॉन फॉर डैनी इंग्स, सेलिंग लाकाजेट, गार्बेज वैल्यू में बेच देते बट बेच देते और इंग्स को सेंटर बना देते। तो साका राइट से बैकअप में पेपे, बीच में इंग्स, क्या अटैक होता उनका। मतलब स्पेंडिंग 40 मिलियन ऑन ओडेगार्ड एंड नॉट स्पेंडिंग 25 मिलियन ऑन इंग्स, एंड बाय साइनिंग ओडेगार्ड यू आर लिमिटिंग ESR's रोल इन द टीम जो कि आपका आई थिंक मेन नंबर 10 है, साका से ऊपर है वो, कंसिडरिंग आपने विलक बेच दिया है। तो इंग्स मैन, व्हाट अ साइनिंग बाय एस्टन विला। विलक वाज क्वाइट गुड इन दिस गेम अगेंस्ट एस्टन यस विला, बट यस विला वाज अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेट। गोल नहीं कर पाई। बट या डैनी इंग्स विल बी इन द रेस फॉर गोल्डन बूट येट अगेन। और यस टॉकिंग अबाउट डैनी इंग्स एंड लिवरपूल एंड द मोस्ट हॉस्टाइल प्लेसेस टू प्ले, तो दिख गया एनफील्ड व्हाट एनफील्ड इज ऑल अबाउट। एंड फर्स्ट होम गेम, काफी मजा आया मेरे को पर्सनली एज अ न्यूट्रल, काफी मजा आया देखने में। मतलब जिस तरीके हाँ का एक एटमोसफेयर क्रिएट हो गया था, और एनफील्ड इज दी मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, और क्योंकि जो एटमोसफेयर वहां क्रिएट कर देती है क्राउड, तो वो एक रोल प्ले करता। और ये इस सीजन, ये मतलब मैं कहूंगा कि लास्ट सीजन इससे जरूर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है लिवरपूल को, बिल्कुल अगर बाबा। फैंस नहीं होना स्टेडियम में। व्हेन फैंस एंड राइटर्स से दैट फैंस हमारे 12th मैन है, सो देयर इज अ लॉजिक बी, आई मीन देयर इज अ सेंटिमेंटल लॉजिक बिहाइंड इट, आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ प्रॉपर लॉजिक, बट वी डू रन ऑन फैंस। मतलब हमारे प्लेयर्स का आई थिंक हाउ इट हैपेंस कि जो प्लेयर आता है वो ऐसा ही आता है या लिवरपूल में आके ऐसा बन जाता है, बट समहाउ एवरीवन इज टू मच इमोशनली कनेक्टेड विद लिवरपूल। तो अच्छा गेम था बट बाबा स्टिल दैट वाज फैंस पर्सपेक्टिव से, अटैकिंग पर्सपेक्टिव से अच्छा था, बट क्लियरली बर्नली मिस्ड 2-3 चांसेस। एलिसन ने बचाया एक लास्ट वाला, दो दैट गोल वुड हैव नॉट मैटर्ड दैट मच, 93rd मिनट था, बट एक तारकोस्की का हेडर था जो एलिसन ने मिसजज कर दिया था,
सो देयर वर मोमेंट्स कि अगर हम वो गोल खा लेते तो हम अटक जाते, बट टू गेम्स टू क्लीन शीट्स. दिस गोज बोथ वेज, मतलब माने वाज आल्सो अ बिट वेस्टफुल, थोड़ा सा मैं कहूंगा यस कि हाँ ऑल्दो ही बिल्कुल गॉट हिज गोल, बट साला ने इतनी बार उसको टी अप किया बट वो यस फाइनल बॉल तक वो पहुंच नहीं पाया. तो आई थिंक इट वाज अ क्लीन विन फॉर लिवरपूल. अगर एक आध गोल यस कर भी देती बर्नली तो मतलब अब कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे. नहीं पड़ता. एनफील्ड बहुत ही, मतलब एक मैं ये कहूंगा कि 1920 जो प्रीमियर लीग जीती है हाँ लिवरपूल, अगर आपको ध्यान हो तो लॉकडाउन के बाद जब स्टार्ट हुआ था गेम सीजन वापस, तो बिल्कुल ज्यादा एवर्टन से कुछ ड्रॉप. बचा नहीं था लिवरपूल के लिए करने के लिए. लेकिन हमने हाँ देखा था कि कन्विंसिंग नहीं थी लिवरपूल उस पीरियड में भी, जब सीजन क्लोज होते होते, क्योंकि फैंस की कमी कहीं ना कहीं देखी थी. आर्सेनल से शायद हार गए थे होम में, और वो चेल्सी लिवरपूल तो क्लासिक मैच हुआ था, फाइव फाइव 5-3 जो हुआ था, बहुत ही मतलब अच्छा मैच था. तो उस तरीके की मतलब कुछ परफॉर्मेंसेस हुई थी. तो आई थिंक फैंस का वापस आना बहुत क्रूशल साबित होगा लिवरपूल के लिए सीजन. और साला तो है ही, एज ऑलवेज ही इज इन द रेड हॉट फॉर्म. और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आई थिंक ही माइट बी, मतलब व्हेन ही फिनिशेस ही माइट बी योर ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर. तो देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट बिल्कुल इज चेल्सी आर्सेनल. तो अब इसका मैंने दोस्तों डिटेल में एक रिव्यू बनाया है, तो लिंक आपके स्क्रीन पे अभी कहीं फ्लैश हो रहा होगा. मैं शिवम से जानना चाहता हूँ, वर यू इम्प्रेस्ड बाय लुकाकूस परफॉर्मेंस, मतलब हाउ ही इम्पोज्ड हिमसेल्फ ऑन दिस गेम. एब्सोल्युटली इम्प्रेस बाबा. देर इज नो डाउटिंग दैट मैंस कैपेबिलिटी. मतलब यूनाइटेड में वो जैसा खेला दैट वाज जस्ट हिज बैड फेस. वरना एवर्टन, वेस्ट ब्रॉम, चेल्सी, वी हैव सीन ही इज सच अ गुड स्ट्राइकर. ही इज वन स्ट्राइकर विद यू नो व्हिच टोटली फिट्स इन चेल्सीज मेंटालिटी ऑफ प्लेयर्स. दे हैव हैड ड्रोगबा, दे वन सो मेनी ट्रॉफीज. दे हैड डिएगो डिएगो कॉस्टा, विच कॉस्टा, आई ऑलवेज से कि तुम्हारा टाइटल सिर्फ गोज टू डिएगो कॉस्टास फिजिकैलिटी एंड नाउ लुकाकू इज हियर. तो लुकाकू की साइनिंग आई थिंक इज द बिगेस्ट गेम चेंजर इन दिस सीजन. व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई वॉन्ट से कि चेल्सी इज रियली टेस्टेड अभी तक, क्योंकि आर्सेनल उतना ही गंदा खेली जितना चेल्सी अच्छा खेली. यू आर नॉट, मतलब आई वुड से चेल्सी कॉम्प्लिसेंट परफॉर्मेंस नहीं थी एज अ स्क्वाड, हाँ, बट लेकिन फोर्थ गियर में नहीं गए, सेकंड थर्ड गियर में हाँ ही चल रहे यस वही मैं कह रहा हूँ कि एज अ स्क्वाड ओके ओके परफॉर्मेंस, बट लुकाकू एंड रीस जेम्स सेटल्स द डिबेट फॉर वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन इंग्लैंड. हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल रेट हिम अबव वैन बिसाका, एटलीस्ट आई डू, बिकॉज व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम रीस जेम्स. बट दैट ऑल्सो, हैविंग सेड दैट, दैट ऑल्सो कम्स डाउन टू साकाज बैड गेम, बिकॉज वी लिटरली सॉ हिम जॉगिंग ऑन द पिच एज इफ ही आई वाजंट इन थिंक दिस इट इज गेम. मोर डाउन टू आर्टेटास टेक्टिकल फेलियर. मतलब सिस्टम जो है वो बिल्कुल, मतलब ठीक है, एक बहुत टाइम से डिबेट चल रही है और गौरव से भी बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हुआ था इसके बारे में. ही सेज कि मतलब मैनेजर इज टू बी ब्लेम्ड बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई थिंक लास्ट नाइट्स और द संडेज गेम वॉज एब्सोल्यूटली आर्टेटास फॉल्ट इन माई ओपिनियन. आई माइट बी रॉन्ग. टैक्टिकल फेलियर था क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव टेरनी बॉम्बिंग फॉरवर्ड ऑलवेज, जब आपको पता है कि ओवरलैप पे रीस जेम्स है वहां पे, और अब बिल्कुल सेंटर में एक मतलब एक वो फोकल पॉइंट भी आ गया है, एक बहुत कमांडिंग प्रेजेंस है. तो हाँ पाब्लो मारी को जिस तरीके से, मतलब पाब्लो मारी वॉज नॉट एबल टू हैंडल लुकाकू बिल्कुल भी पूरा मैच में. तो या और आप देखोगे तो सारा जो अटैक बना है चेलसी का राइट साइड से ही बना राइट से बना है, दैट वाज गिवन बाबा, वो होना ही था क्योंकि है. आप लोगों का राइट वैसे भी स्ट्रांग है. रीस जेम्स और एसपी क्वेटा है वहां पे राइट बैक, उसकी भी बॉल्स मतलब ही प्लेस गुड. मतलब उसकी जो लॉन्ग बॉल्स हैं, उसके जो पासेज हैं, वो एसपी क्वेटा था, आई थिंक एसपी क्वेटा खेला था ना उस गेम में. हाँ, तो वो है. और प्लस ऑल्सो टियर्नी एंड साका, आई मीन आई डोंट फाइंड देम अ गुड आई थिंक व्हाट कॉम्बिनेशन. आर्टेटा कुड हैव डन वाज टू मैच टूकल्स बैक थ्री जो उसने लास्ट सीजन यस स्टैमफर्ड ब्रिज यस में किया था, एंड देवर बिल्कुल एबल टू गेट अ 1-0 विक्ट्री आउट ऑफ दैट. हाँ वो ही करना तो था. मतलब इस तरीके का कुछ करना चाहिए था, क्योंकि बैक फोर में उनके पास ना किसी भी प्लेयर में इतनी फिजिकलिटी थी जो लुकाकू से डील कर सके, और ना इतना यस पेस था जो रीस जेम्स को हैंडल कर सके. एग्जैक्टली. जाका मतलब वो खेलता वहां पे रॉब होल्डिंग के साथ, मारियो या कोई एक सेंटर बैक, और राइट विंग नेटल माइंस था ही, और लेफ्ट से साका खेलता.
तो बैलेंस रहता है टवारेस भी खेल सकता था, लेफ्ट टियरनी सेंटर बैक खेल सकता था, मतलब ऑप्शंस बहुत बिल्कुल, थे। ऑप्शंस थे उनके पास, दे कुड हैव टेकन दिस गेम थोड़ा सा मोर सीरियसली। आई फेल्ट आर्टेटा वाज ऑलरेडी एमिंग फॉर अ लॉस, ही हैड हिज एक्सक्यूजेस रेडी, नॉट एक्सक्यूजेस, आई वोंट से एक्सक्यूजेस एंड ट्रिगर आर्सेनल फैंस, बट ही ऑलरेडी न्यू व्हाट ही नीड, व्हाट ही हैड टू से पोस्ट गेम, कि भाई 9 प्लेयर 8 प्लेयर इंजर्ड थे, कोई था नहीं, सो ही हैड दैट इन माइंड। हाँ मतलब ठीक है, बट एक इंजर्ड प्लेयर्स आपके रहेंगे, वो हर स्क्वाड के साथ प्रॉब्लम भी है, वो लिवरपूल के साथ भी हमने देखा था लास्ट सीजन। बट देर इज अ स्टाइल ऑफ प्ले दैट यू मतलब नीड टू हैव, मतलब लिवरपूल खराब खेल रही थी बट दैट वाज डाउन टू द इंडिविजुअल क्वालिटी, जो उस सिस्टम में प्लेयर्स थे वो उन पे था। क्लॉप बिल्कुल का सिस्टम फेल नहीं हुआ था, उसकी वजह से नहीं हार रही थी लिवरपूल। लिवरपूल हार रही थी क्योंकि जो इंडिविजुअल क्वालिटी थी वो मिस हो रही थी, वैन डाइक की, थी राइट, जो गोमेस की, स्पेशली इन द डिफेंस फाइनल थर्ड में जो एक कामनेस लेके आता है वैन डाइक, वो मिस हो हाँ रही थी। बट दिस इज नॉट अप टू इंडिविजुअल प्लेयर्स आई बिलीव, मतलब ये टैक्टिकल फेलियर है ये, एंड अग्री, आर्टेटा कुड हैव डन बेटर इन दिस गेम इन माय ओपिनियन। यस बाबा, टोटली टोटली अग्री। थोड़ा सा राइट फ्रेम ऑफ फॉर्मेशन, राइट फ्रेम ऑफ टैक्टिकल चेंजेस से खेलता तो शायद आर्सेनल ड्रॉन निकाल सकती थी। आई वोंट से कि बहुत ही होपफुल था मैं इसका, क्योंकि लुकाकू स्टार्टिंग वाज अ श्योर शॉट हिंट कि चेल्सी जीत रही है, और व्हाट अ स्टार्ट फॉर मेन मैन काकू, चलो ओके गुड गाइस, इफ स्टार्ट। यू वांट टू हेयर फ्रॉम मी इन डिटेल, तो ये एक लिंक आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे ऊपर, प्लीज डू चेक दैट वीडियो आउट। और टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट गेम, वुल्स वर्सेस स्पर्स, तो ये आई थिंक इट वाज ऑन द थीम एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल वाले पे। वुल्स वर द बेटर टीम, यस डोमिनेटेड द होल गेम, अडामा बीइंग अडामा लगातार दूसरे मैच में एक वन ऑन वन चांस मिस करते हैं, और हाँ दैट इवेंचुअली कॉस्ट स्पर्स, एक सॉफ्ट पेनल्टी मिलती है और डेली अली स्कोर्स द डिसाइसिव गोल। तो वुल्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगा मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक स्टेटमेंट बना सकते थे वो इस मैच में, एटलीस्ट एक पॉइंट तो लेना ही चाहिए था स्पर्स के अगेंस्ट इस बार। बट आई थिंक वुल्व्स इज फिनिशिंग, आई मीन not a very bold prediction, but I think Wolves will finish top 10. We saw that they have created second most chances in the league in game in 2 game week, which is आई 42. थिंक लीड्स विल फिनिश इन टॉप 10 एंड वुल्स विल टेक देयर प्लेस। जैसा लीड्स आई थिंक 11th या 12th आई थी लास्ट सीजन। हाँ हाँ ओनली बिकॉज ये मेरा एक ओपिनियन है कि वुल्स का क्या है, मैनेजर नया है, तो आई थिंक ही माइट फाइंड इट हार्ड, और बीएलसा को एक सीजन का एक्सपीरियंस हो गया है, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टीम है। इतना कुछ अभी लीड्स ने मतलब डिपार्चर्स भी नहीं देखे कोई, मतलब कि उनकी टीम से बहुत कोई उनका क्रूशल प्लेयर चला गया हो। राइट और वुल्स का मेरे को ये लगता है कि एक ठीक है ट्रिंकाओ दे हैव ऑन लोन फ्रॉम बार्सिलोना, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट आई थिंक नया मैनेजर है, नई मतलब जेल अप होने में शायद टाइम लगे, पर ठीक है, गुड साइंस आर प्रॉमिसिंग, बट अगेन क्रिसमस के पास एक्चुअली पता चलेगा कि मतलब ये जो यार, टीम मिड टेबल टीम्स होती है क्या कैसे कोप अप कर पाती है। आई थिंक द वुल्व्स का एक एडवांटेज ये है कि दे लॉस्ट रुई पेट्रिशियो, बट दे साइन जोसे सा, आई थिंक वुल्व्स ने था, हाँ, तो मैच में दिखा कि इज अ गुड शॉर्ट स्टॉपर, बगवाइन का सेव, नेक्स्ट मिनट सन, फिर से सन, तो मतलब एक ही स्पेल ऑफ प्ले में 3 सेव करे उसने। देन वुल्व्स का रूबेन नेवेस और मुटिनियो का प्ले भी देखा कि कैसे उन्होंने टॉटनम की मिडफील्ड को नलीफाई कर दिया था। इट आई थिंक इट विल कम डाउन टू राहुल हिमिनेज फॉर्म, कि अगर वो 15 से 20 गोल मार रहा है इस सीजन के, तो आई थिंक वुल्व्स विल फिनिश गुड, सो नहीं बिल्कुल, इवेंचुअली एंड दैट इट विल कम इज, डाउन टू हिम। हाँ एंड इट इज वेरी गुड टू सी राहुल जिमेनेज बैक ऑन द पिच, और एब्सोल्युटली बहुत लव दैट मतलब साइड, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द लीग। काफी हॉरिफिक इंजरी थी, और मतलब मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, पेटर चेक वाली इंजरी हुई थी उनको, जो स्कल में फ्रैक्चर हो गया था, दैट्स व्हाई ही इज वेयरिंग दैट प्रोटेक्टिव गियर ऑन हिज हेड, तो वी आर ग्लैड कि ही इज बैक। और चलते हैं नेक्स्ट मैच पे, साउथहैम्पटन वर्सेस मैन यूनाइटेड। आई थिंक गोइंग इनटू दिस गेम यूनाइटेड वर हेवी फेवरेट्स, और इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी कि यूनाइटेड कमबैक नहीं कर पाई सेकंड हाफ में, ऑल्दो दे स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर, फॉर्चुनेट गोल साउथहैम्पटन के लिए विद दैट डिफ्लेक्शन, बट आई थिंक साउथहैम्पटन प्लेड क्वाइट वेल, मतलब जितना उनके मतलब उनको पता था कि भाई हमको
सिट बैक करना है, ज्यादा स्पेस लेना नहीं है फाइनल थर्ड में, कहीं ना कहीं सक्सीड हुआ है उसमें। और गोल भी जो ग्रीनवुड का था थोड़ा सा मतलब सेव हो सकता था इन माय ओपिनियन साउथहैम्पटन के कीपर से। आई थिंक यूनाइटेड वर वेरी लकी टू गेट अवे विद वन पॉइंट लास्ट में. आई थिंक कौन था इनका जिसने वन ऑन वन डेविड डगेया पे मिस करा शॉट, और अदर आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड स्टॉप फ्रॉम डेविड डगेया. अच्छा वो था जो अभी नया वो स्ट्राइकर साइन किया है इन्होंने, नॉट श्योर अभी किया है लास्ट ईयर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा. 9 नंबर है इनका, इंग्स का रिप्लेसमेंट. तो ही हैड वन ऑन वन चांस एंड इट वॉज सेव्ड. और ची एडम्स का गोल भी काफी वही बोलूंगा कि लकी सही था. सो बट अदरवाइज पूरा गेम थोड़ा डेड रबर गेम था. वी कुडंट सी ब्रूनोज मैजिक एंड आई फील कि स्टिल यूनाइटेड लैक स्ट्राइकर. आई एम नॉट श्योर इफ कवानी कुड डू व्हाट टाइटल विनिंग टीम्स नीड. एक 20 गोल स्ट्राइकर उनके पास अभी भी नहीं है, दैट इज ओनली वन मिसिंग पीस. Although United fans need a CDM, but I feel McTominay, if trust put in him, he can perform well. ठीक है, 38 में से 38 game अच्छा नहीं खेलेगा, but he can play 25 to 26 good games. McTominay, तो एक striker चाहिए इनको. वो अगर आ जाता है तो they will be, you know, I feel they will be title contenders, which they are not right now. Such games need a number 9. हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वरान ऑलवेज हैड कासेमिरो इन फ्रंट ऑफ हिम टू डू दैट डर्टी वर्क एंड टू प्रोवाइड दैट स्क्रीन. तो एक डिफेंसिव मिड तो डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं, तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा वरान इंक्लूजन कैसे होता है. आई थिंक कि बहुत ज्यादा टाइम ले रही है यूनाइटेड सैंचो और वरान को इंटीग्रेट करने में टीम में, बिकॉज वी हैव सीन विद अदर टीम्स की जो भी उनकी हाई प्रोफाइल साइनिंग हुई है, बीट ग्रिलिश, बीट लुकाकू फॉर चेल्सी, और बीट एनीवन, मतलब सब टीम में अच्छे से इंटीग्रेट हो गए हैं. तो आई थिंक कि we will see Sancho and Varane starting the next year, but yeah, missed opportunity for United, 2 points dropped. देखते हैं आगे क्या होता है. Okay, last game जो कल रात को हुआ, West Ham Leicester, और West Ham again काफी बेहतरीन performance, और ये मैंने predict किया था, Guruji were going with a Leicester win, और मैंने कहा था कि I'll be a bit brave and I'll go with a 1-0 West Ham win, but that Ayoze Perez red card बिल्कुल game change कर दिया. और ये लेस्टर के साथ है ही प्रॉब्लम, मतलब लेस्टर की बात नहीं करूंगा मैं, हर किसी टीम के साथ होता है, इफ यू आर डाउन टू 10 मेन तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हिल जाता है पूरा, और वही देखा फिर हमने सेकंड हाफ में. एंड कंसीडरिंग दिस टाइम एंटोनियो लीडिंग स्कोरर ऑफ वेस्ट हैम एंड व्हाट अ सेलिब्रेशन विद कटआउट, खुद का कटआउट के साथ सेलिब्रेशन. मिकाएल एंटोनियो भाई, मतलब अगर उसकी एनुअल हैमस्ट्रिंग्स ना हो तो इज अ 25 गोल प्लेयर. आई डोंट नो व्हेन ही गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम अ विंगर, फ्रॉम यू नो समवन हु इज प्लेइंग ऑन लेफ्ट विंग राइट विंग टू अ प्रॉपर नंबर 9. बट व्हाट अ स्ट्राइकर ही इज, व्हाट अ फिनिशर ही इज. आई वुड रादर से कि थोड़ा सा फिजिकलिटी का एडवांटेज ले लेता है वो, मिनी वर्जन ऑफ एनी फिजिकल प्लेयर लाइक लुकाकू. एंड थोड़ा सा यहाँ पे अपन बोलेंगे कि रादर देन वेस्ट हैम प्लेइंग लाइक हैविंग अ रियली गुड ऑर्केस्ट्रेटेड प्ले, इट वाज डाउन टू लेस्टर्स सेंटर बैक प्रॉब्लम्स. नो जॉनी इवेंस, नो फोफाना, ये अमाटे को सेंटर बैक में खिला रहे हैं, एंड देन योर मेन गाय सोयूचू डज दैट ब्लंडर, एंड सोयूचू बीइंग सो फिजिकली यू नो टफ gets manhandled by Antonio for the third goal. मतलब पटक के गोल मारा है उसको बिल्कुल लुकाकू स्टाइल में. तो यू कांट एक्सपेक्ट यू नो कि अब मैं ऐसे तो नहीं सोच सकता ना कि यार लुकाकू आके वीवीडी को पटक के गिरा के गोल मार दे. तो वैसा बैटल था वो, मतलब सोयूचू इज हैज अ गुड बिल्ट. तो एंटोनियो तो वन साइडेड दोनों गोल पे मतलब बिल्कुल खींच के पुल करके गिरा के गोल कर रहा है, कमाल साइट. एंड वेस्ट हैम 4 goals in 2 games, 8 goals मतलब each in 2 games. भाई attacking threat तो कमाल है West Ham का. इनके bench table topper है, table toppers हैं अभी. table topper तो देखो Arsenal भी रहता है हर season. तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता. अभी इनका when things get heavy, अभी Declan Rice का बहुत ज़्यादा आ रहा है.
रूमर्स आ रहे हैं कि भाई यूनाइटेड और डेक्लन राइस डील करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लिंगर्ट के स्वैप में, विच आई डोंट थिंक यू विल गो थ्रू बिकॉज बहुत ज़्यादा आस्किंग प्राइस है वेस्ट हैम की. बट अगर वेस्ट हैम इज एबल टू रिटेन दीज प्लेयर्स एंड ऐड कर्ट ज़ूमा, विच आई थिंक दे आर गोना ऐड, एंड आई थिंक एक अटैकिंग प्लेयर ये जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव लाइक दे आर स्टार्टिंग विद बेनरामा, फॉरनेल्स, और आई डोंट नो राइट में कौन खेल रहा है, बेन से इनके आ रहे हैं जेराड बोवेन और यारमेन फोरनाल्स एक्सेल भी है, फोरनाल्स है, भी है, नहीं वही कह रहा हूँ, फोरनाल्स और बेनरामा स्टार्ट कर रहे हैं पीछे, और एक और है कोई मुझे याद नहीं कौन है, सूचेक और इसके डेक्लन राइस के आगे जो खेल रहे हैं, और बेन से इनके पास आ रहे हैं लैंजिनी, यार यारमेलेंको, मैं जेराड बोवेन, मतलब तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी भी मिड टेबल टीम में स्टार्ट कर सकते हैं, तो छह अटैकर के बाद भी इनको लिंगार्ड क्यों चाहिए पता नहीं मुझे. दे शुड रादर इन्वेस्ट इन सेंटर बैक बिकॉज लास्ट सीजन वी सॉ जब डॉसन नहीं था और इंजरीज हो रही थी तो क्रेशवेल को सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा था और थ्री एट बैक फॉर्मेशन पे आ गए थे, विच इज नॉट वेस्ट हैम स्टाइल ऑफ प्ले और डेविड मॉय स्टाइल ऑफ प्ले. सो इफ दे कैन ऐड कर्ट जूमा बहुत बढ़िया साइनिंग होगी, एंड देन आई थिंक वेस्ट हैम विल चैलेंज फॉर दैट फिफ्थ स्पॉट टू स्पर्स. तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा रिजल्ट वेस्ट हैम के लिए। और जैसा हम देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो खैर इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, टाइटल रेस बहुत होगा। और टॉप्स ऑफ द वीक पे आ जाते हैं फिर जल्दी से, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो यस टॉप्स ऑफ द वीक आई थिंक मिकाइल एंटोनियो एंड रोमेलु लुकाकू फॉर दिस वीक। सर, मिकाइल एंटोनियो, मिकाइल एंटोनियो फॉर श्योर, एंड ओके आई विल गिव यू दैट, रोमेलु लुकाकू मे बी बिकॉज इट वाज अ बिग गेम, डार्बी था आप लोगों का, लंदन डार्बी कह लो, अब कैसी भी डार्बी है, लंदन में इतने क्लब्स हैं कि हर गेम ही डार्बी है तो डार्बी है तो ठीक है, लुकाकू को कह सकते हैं, अदरवाइज मिकाल एंटोनियो, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वुड यू नॉट से डिएगो जोटा, मतलब टू हाँ गेम कह टू गोल, हाँ सकते मतलब ठीक है, गोल ठीक है, इजी गेम था, सो आई वी कैन पास दैट, बट मिकाल एंटोनियो तो फॉर श्योर मिकाइल गोल. एंटोनियो लुकाकू एंड इंग्स वाज आल्सो क्वाइट गुड विद Oh, दैट गोल। for that goal, he tops that. हाँ तो ओके, हाँ, एंटोनियो इज द टॉप ऑफ द वीक। yes. एंड फ्लॉप की बात करें तो लेस्टर, मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। I think Leicester को एडवांटेज दे सकते हैं यार, रेड कार्ड डाउन का 38th मिनट पे रेड कार्ड ले लिया, मोर देन 65 मिनट्स 10 मैन, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली कंसिडरिंग वेस्ट हैम की अटैकिंग थ्रेट, एंड कंसिडरिंग कि लेस्टर ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ यू नो सेंटर बैक प्रॉब्लम्स. सो फ्लॉप कैन बी, आई थिंक फॉर मी इट वुड बी इधर आर्सेनल और आई थिंक नॉरिच. हाँ आई थिंक वी शुड गो विद नॉरिच बिकॉज वी कांट हैव आर्सेनल 2 वीक्स इन अ रो बीइंग अ फ्लॉप ऑफ द वीक। आर्सेनल वर प्लेइंग चेल्सी, और नॉरिच का मतलब ये जो थ्रैशिंग था थोड़ा, मतलब दे कुड हैव अप्रोच दिस गेम इन अ बेटर वे। तो इन अ बेटर वे दीज आई आर योर थिंक. टॉप 10 फ्लॉप्स लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस वीक। और देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं दिस वीक ओनली, सैटरडे को। इट्स द बिगेस्ट Yes. गेम मेरे हिसाब से, मतलब आई थिंक दिस गेम हैज कम टू सून। ये गेम थोड़ा सा दिसंबर नवंबर में होना चाहिए था, व्हेन टाइटल रेस वुड हैव बीन इंटेंस होता हॉटिंग अप। पर कोई बात नहीं, चेल्सी लिवरपूल एट एनफील्ड, मजा आने वाला है दोस्तों। पूरे वीक हम इस मैच पे बिल्डअप करेंगे, एंड वी विल बी ऑल्सो ज्वाइंड बाय शिवम इन बाबा प्रिडिक्ट्स, जिसमें हम इन डेप्थ एक प्रिव्यू करेंगे इस मैच का। तो शिवम को क्या लगता है, इज ही नर्वस विद लुकाकूज प्रेजेंट अप फ्रंट? और मुझे क्या लगता है कि क्या रहेगा इस मैच में विद फैंस कमिंग बैक टू एनफील्ड? इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ, तो वो बिल्कुल भी इजी मैच नहीं होगा ये। और देखते हैं क्या होता है, तो वो हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी हम FPL के साथ भी लौटेंगे विद शिखर्स एक्सपर्टीज की क्या करना चाहिए गोइंग इन टू Game Week 3। तो चलो, थैंक यू शिवम अगेन सो मच ऑल फॉर राइट ज्वाइनिंग अस, बाबा, यस मैन, एंड वी विल बी ज्वाइंड बाय शिवम इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी बाबा प्रेडिक्ट्स। तो जब तक दोस्तों स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड पीस आउट। पीस आउट बाबा.